इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड स्पीक। पर हम आमरन सारी आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जस्ट 3 days टू गो फॉर द मैग्नम ओपस अंतिम टू रिलीज इन सिनेमा हॉल्स। एंड गाइस, द एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक। सलमान खान के फैंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द मेगा स्टार इज अराइविंग ऑन द बिग बिग स्क्रीन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years। दबंग 3 का रिलीज का वक्त था, दिसंबर का महीना था, एंड अब जाकर 2021 के नवंबर का अंत आ चुका है। एंड अब फाइनली सलमान खान को बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए ये अंतिम घड़ियां बची हुई है, क्योंकि अंतिम आ रही है बस 3 दिनों में सिनेमाघरों में। वेल फ्रेंड्स, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑब्वियसली सेंसर सर्टिफिकेट। अब ऑडियंस इतनी चालाक हो चुकी है, लर्नेड हो चुकी है। एक जमाना था जब मैं सेंसर सर्टिफिकेट्स के बारे में डिस्कस किया करता था तो पब्लिक को आइडिया भी नहीं हुआ करता था क्या है। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम रेस 3 का सेंसर सर्टिफिकेट डिस्कस कर रहे थे, मैंने बहुत सारे उसमें सीन्स भी जो थे वो बता दिए थे आप लोगों को, ये फिल्म में ये हो रहा है इसीलिए कट मिला है। ये उसके प्रोसेस में बहुत सारे स्पॉयलर्स भी जो है वो रिवील हो जाते हैं कि हाँ, ये सीन में ब्लड दिखाया है इसीलिए ये सीन कट कर दिया, ये इससे ये बातचीत करता है इसलिए ये सीन कट कर दिया। लेकिन अब ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, सेंसर सर्टिफिकेट में इसका सिनेमाटोग्राफर कौन है, उसकी एडिटिंग किसने किया है। तो ये काफी अच्छा एक ऑडियंस जो है वो इवॉल्व हुई है विद टाइम, तो देखकर काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों की रुचि फिल्म मेकिंग एंड फिल्म प्रोसेस के हर एक एस्पेक्ट से जुड़ चुकी है, विच इज रियली हार्टनिंग टू सी। ओके गाइस, सो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द ऑल इम्पोर्टेंट सेंसर सर्टिफिकेट। बट फ्रेंड्स, मैं खुद जब फिल्म के सेट पर गया था, मैंने एक सीन है जहां पर अंतिम में लिटरली गालियां दी जा रही थी वो सीन में। अब वो क्या सीन रिटेन किया जाता है नहीं मुझे पता नहीं, तभी मेरे को पता चल गया था कि ये फिल्म एकदम रॉ होगी। उसके बाद जब पहला ट्रेलर आया, मैंने देखा किस तरह से ट्रेलर में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, गन शॉट्स, मारामारी, खून थड़ाका का पूरा दिखाया गया था। एंड उसके बाद जब कोई तो आएगा गाना आया, उसमें द अमाउंट ऑफ गन शॉट्स, द वायलेंस एंड द ब्लड मेड श्योर अंतिम विल बी अ रॉ मांजरेकर मूवी। एंड रॉ फिल्म्स यूजुअली सेंसर बोर्ड उनको ए सर्टिफिकेट देता है, लेकिन यहां पर अच्छे खासे कट्स के बाद यहाँ पर अंतिम को एक यूए सर्टिफिकेट दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूए सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, वरना अगर एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता तब बच्चे लोग जा नहीं सकते थे, बाहर उनको रोक दिया जाता था, मल्टीप्लेक्स के बाहर, सिंगल स्क्रीन्स के बाहर, पेरेंट्स को अकेले जाना पड़ता। एंड अब ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पेरेंट्स अकेले जाएंगे फिल्म देखने के लिए, तो अब यूए मिल चुका है, आप अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को साथ में मिलकर जाके फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। अब गाइस, सेंसर सर्टिफिकेट के नीचे जो है ये 2 पार्ट की सर्टिफिकेट है। पार्ट 1 में ऑब्वियसली सेंसर मिला है इसको, यूए रेटिंग है। पार्ट 2 में यहाँ पे लिखा है काट छांट और उपांतरों का विशिष्टियां, यानी कि द पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सिशंस एंड मॉडिफिकेशंस, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हैं। जब फिल्म रिलीज हो जाएगी, ऑब्वियसली हर सिनेमा घर के बाहर एक फाइल रहती है, स्पेशली आईनॉक्स रखता है। आप कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिए, जब सिनेमा घर जा रहे हैं तो इनको ध्यान दीजिए। पीवीआर में तो बोर्ड पे लगा देते हैं, आईनॉक्स में बाहर एक फाइल रखती है सेंसर सर्टिफिकेट्स एंड मॉडिफिकेशंस। उसमें हर फिल्म जो लगी है थिएटर में उसके कट सीन्स, उसके मॉडिफिकेशन, उस सब वहां पे लिखे रहते हैं। तो जब अंतिम रिलीज हो जाएगी, मैं आपको जो फिल्म देखकर आऊंगा, एक कोई भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में आपको मैं बता दूंगा कौन से सीन कट हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे अंतिम का जो रन टाइम है वो है 142 मिनट्स, यानी कि 2 घंटा 22 मिनट की ये फिल्म है। एंड ये फिल्म अभी यूए रेटिंग लेकर जाती है, यानी कि रेटिंग का टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास जाइए, फिल्म को सिनेमा घर जो है वहां पर जाकर आराम से अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ जाके एंजॉय कीजिए। वेल फ्रेंड्स, ओवरसीज भी ये फिल्म को वायलेंस के कारण नो चिल्ड्रन अंडर 16 की रेटिंग मिली है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में सेंसर रूल्स है कि पीपल चिल्ड्रन अंडर 16 कैन गो विद पेरेंटल गाइडेंस। एंड यहाँ पे दिखाया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन द फिल्म, प्रोलॉन्ग गन वायलेंस, गन शॉट्स, ब्लड, बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन दिया है तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इतना है, एक्शन फिल्म है, फाड़ फिल्म है,
रियलिस्टिक फिल्म है. अब मांजरेकर स्टैम्प पे यू गोना सी लॉट ऑफ यू नो वाइब्स ऑफ वास्तव इन दिस फिल्म कमिंग. एंड सलमान खान इज गोना बी प्रेजेंटेड इन अनदर कैरेक्टर ऑल टुगेदर. ओके गाइस, सो मैंने आपको एडवांस बुकिंग एपिसोड बता दी है. ओके, सत्यमेव जयते 2 की भी एडवांस बुकिंग बता दी है. आज से लेट्स सी और कौन से सेंटर्स में अंतिम द फाइनल ट्रूथ और रिलीज होती है. ओके गाइस, मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. तो अब जितने लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं 16 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकता हूँ, अब आप सभी लोग अंतिम इंजॉय कर सकते हो. बस टिकट्स बुक कीजिए एंड सिनेमा घरों का रुख कीजिए. स्टे कूल मैम.